उनके कैंडिडेट्स के लिए जो अपनी आज प्रेपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो उनको बताएगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आयल्स। सबसे पहले आपको टेस्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आयल्स का टेस्ट फॉर्मेट क्या है और इसमें कौन सी स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और कैंडिडेट की ये चारों स्किल्स का ये टेस्ट होता है। ये लैंग्वेज टेस्ट है, इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट है जो पता होना जरूरी है। लिसनिंग टेस्ट 30 मिनट्स के लिए होता है, 10 मिनट्स आपको ट्रांसफर करने के लिए मिलते हैं, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। उसके बाद आती है रीडिंग, रीडिंग में भी 3 सेक्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट्स। देन उसके बाद आती है राइटिंग, राइटिंग में टास्क 1 एंड टास्क 2 दोनों को मिला के टाइम आपको मिलता है 60 मिनट्स। देन आती है स्पीकिंग, ये 1-to-1 होती है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये एक ही दिन एक ही वेन्यू पे होते हैं। स्पीकिंग जो होती है वो 1-to-1 कंडक्ट की जाती है, जो 11-to-14 मिनट्स की होती है और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये था टेस्ट फॉर्मेट। इसके बाद आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आयल्स में, चाहे आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, या फिर आप ब्रिटिश काउंसिल, IDP या इंग्लिश मेंटोर के ट्यूटोरियल्स ही देख लें। पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको हैंडल करना है, अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपका गोल एंड प्रायोरिटीज क्या है। कुछ कैंडिडेट्स का गोल होता है टू स्कोर 9 ईच, किसी का 7 ईच, किसी का 8777 इज द रिक्वायरमेंट। फॉर सम स्टूडेंट द गोल इज टू अचीव 6 बैंड ईच। तो आपने अपने गोल के मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है कि कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है और कितना टाइम करनी है। एक बार आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चल जाती हैं, तो आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, गेट यूज टू आयल्स टेस्टिंग एनवायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आयल्स टेस्टिंग एनवायरमेंट क्या है। उसके लिए आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जिस सेंटर में प्रेपरेशन कर रहे हैं वहां पे मॉक टेस्ट दें, नहीं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, वहां पे मॉक टेस्ट दें, या फिर हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें। हम भी टाइम टू टाइम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं कि एग्जाम को कैसे हैंडल करना और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आयल्स की प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी आयल्स प्रेपरेशन में। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।